वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एसयू मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया है, उसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। हम उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, हम उसके टॉक्सिन्स देखेंगे, हम उसकी पैथोजिनेसिस देखेंगे, हम डिप्थेरिया डिजीज क्या होती है वो देखेंगे, एंड साथ साथ में लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो गाइस, पूरा हमने इसको कवर किया है एक अच्छे वे में, ठीक है? तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो आप जरूर देखिएगा। हम बेसिक से स्टार्ट करें। कोर्निया बैक्टीरियम, कोर्निया जो बैक्टीरियम डिप्थेरी है, वो एक ग्राम पॉजिटिव बेसिलस होता है। बेसिलाई सेप्ट का होता है, ठीक है? बेसिलाई सेप्ट मतलब ऐसे, ठीक है? और ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है? ग्राम पॉजिटिव पता है, ठीक? और ये नॉन मोटाइल होता है, चल नहीं सकता, मतलब भाग दौड़ नहीं कर सकता, ठीक? नॉन स्पोरिंग, ये जो स्पोर जो प्रोड्यूस होता है ये नहीं करता, स्पोरिंग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ये नहीं होता, ठीक है? नॉन कैप्सुलेटेड होता है, ये कैप्सुलेटेड नहीं हो पाता, ठीक है? क्लब सेप, ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी कहां भी आए तो आपको क्या याद रखना है, क्लब सेप्ड, सी से कॉर्निबैक्टीरियम, सी से क्लब सेप्ड। क्लब सेप्ड कैसे होता है? क्लब सेप्ड मतलब जैसे आप डंबल्स होते हैं ना, डंबल सेप का ऐसे, ठीक है? ये आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, देखो ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी का एग्जाम्पल है, ठीक, डायग्राम है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपको क्लब सेप्ड दिख रहा है, ठीक, ये जो है ये ब्लैक 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 जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस आर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल, ये क्या है, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब गाइस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है गाइस? अब जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी है ये कैसे अरेंज्ड होता है, चाइनीज लेटर, चाइनीज लेटर और क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट शो करता है। चाइनीज लेटर क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट मतलब गाइस, ये वी शेप और एल शेप में रहता है। कैसे रहता है वो हम बताते हैं। जैसे बैक्टीरियल सेल डिवाइड करती है, ये बैक्टीरिया है, ये जैसे डिवाइड करेगा तो इसके जो प्रोजेनी सेल्स हैं ये अपने आप में ऐसे कनेक्ट हो जाती हैं। जो प्रोजेनी सेल्स हैं ये एक्यूट एंगल पे कनेक्ट रहती है, ठीक है? एक्यूट एंगल ऐसे, ठीक है? तो वी शेप दिख गया, ठीक। प्रोजेनी सेल है वो क्या रहती है, कनेक्ट रहती है एक्यूट एंगल, ये क्या है, एक्यूट एंगल। तो एल शेप और वी शेप जैसे करेक्टरिस्टिक्स यहां पर आते हैं। वी और एल शेप स्मियर दिखते हैं, ठीक है? बैक्टीरियल सेल क्यों दिखते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो होती है वो डिवाइड होती है, तब जो डॉटर सेल बनती हैं वो टेंड टू लाई एट एक्यूट एंगल टू ईच अदर, ठीक है? सो ये बैक्टीरियल सेल था हमारा, ये डिवाइड करेगा तो यहां पर जो प्रोजेनी सेल्स हैं ये एक्यूट एंगल पे यहां पर मिलती रहती हैं। ये एक प्रोजेनी सेल हो गई, ये दूसरी प्रोजेनी सेल हो गई, तो एक्यूट एंगल बनाती हैं। इसलिए ये इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, वी और एल शेप्ड, इसको क्या कहते हैं, चाइनीज फॉर्म अरेंजमेंट और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। समझ में आ गया कैसे क्या होता है यूनिफॉर्म और चाइनीज फॉर्म अरेंजमेंट, ठीक है? अब हम बात करते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाता है यहां से, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एनर्जी स्टोरेज होते हैं इस बैक्टीरिया के। एनर्जी स्टोरेज कौन होते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल, ये ध्यान रखना। इन्हें हम पोलर बॉडीज भी कहते हैं और वोलुटिन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है? क्लियर। ये जो होते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, एंड ऑफ बेसिलाई, ये बेसिलाई है, इस बेसिलाई के एंड पर पाए जाते हैं। ये एंड हो गया, ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल हो गया। देखो इस डायग्राम में देखो, ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना एंड एंड में, ये क्या है, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है? और ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल स्टोरेज ग्रेन्यूल होते हैं ऑर्गेनिज्म के। ये किससे बने होते हैं, पॉलीमेटाफोस्फेट, पॉलीमेटाफोस्फेट के बने होते हैं। ये एनर्जी सोर्स होते हैं इस बैक्टीरिया के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब जो ग्रेन्यूल्स होते हैं गाइस, जो ग्रेन्यूल्स है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये ब्लूइश पर्पल कलर शो करेंगे जब हम स्टेन करेंगे इनको। लोइफ्लर्स मिथाइलिन ब्लू में, लोइफ्लर्स मिथाइलिन ब्लू डाई होती है, जब हम उससे अंदर स्टेन करते हैं तो इन ग्रेन्यूल की वजह से यहाँ पर ब्लूइश पर्पल कलर शो होता है, ब्लूइश पर्पल कलर शो होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हम गाइस देखें बायोकेमिकल टेस्ट। इसका बायोकेमिकल टेस्ट कैसे होता है, जो कैटलेज एंजाइम, जो कैटलेज टेस्ट होता है, कैटलेज टेस्ट हमने पढ़ाया हुआ है पिछली वीडियोस में, जाके देख सकते हो कैटलेज टेस्ट क्या होता है। ऑक्सीडेज टेस्ट भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है? कैटलेज टेस्ट में क्या होता है, H2O2 जो एंजाइम, कैटलेज एंजाइम क्या करता है, H2O2 किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, H2O+O2, यहां पर बबल्स दिखेंगे, ठीक है? तो कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट है तो बबल्स दिखेंगे, कैटलेज पॉजिटिव है। ऑक्सीडेज ऐसा ही होता है, ठीक है? ऑक्सीडेज एंजाइम यही नेगेटिव देता है। तो बायोकेमिकल टेस्ट हम कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? नाइट्रेट रिडक्शन जो टेस्ट होता है वो यहाँ पर ये पॉजिटिव देता है, या आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इनके अगर डिटेल देखनी है तो प्रीवियस वीडियोस में अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि कैटलेज क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, ऑक्सीडेज टेस्ट क्या होता है, ठीक है? हम कल्चर देखते हैं। कल्चर देखिए, ये जो है ये लोइफ्लर सेरम स्लोप जो होता है, लोइफ्लर सेरम स्लोप इस तरह का दिखता है। ये इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से
ये क्या करता है, जर्मिनेट अच्छा तरीके से करता है, ठीक है। इसके अंदर का ये स्मॉल ग्लिस्टनिंग व्हाइट कॉलोनीज बनाता है, ठीक है। अब लोई फ्लोर सेरम स्लोप का कंपोनेंट क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट ग्रोथ होती है, और साथ साथ में हॉर्स और शिप की जो सेरम होती है वो होती है, और ग्लूकोज होती है, या वो कंटेंट भी बोल सकते हैं लोई फ्लोर सेरम स्लोप में क्या क्या होता है, क्लियर। अब कल्चर मीडिया हमने देख लिया नॉर्मल लोई फ्लोर सेरम स्लोप, अब सिलेक्टिव मीडिया, सिलेक्टिव मतलब हम कैसे सिलेक्ट करें कि ये कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरी है, ठीक है। एक चीज आती है गाइस, के प्लस टेलराइट अगार, के प्लस टेलराइट अगार क्या होता है, के प्लस टेलराइट अगार के अंदर लाइज्ड हॉर्स ब्लड अगार होता है, और के प्लस टेलराइट होता है, ये इसका कंपोनेंट है, ठीक है। अब कैसे हम सिलेक्ट कर पाएंगे, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरी को, इसकी मदद से, ठीक है। हमारे पास कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरी है, हमने क्या डाला कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरी को, किस मीडियम में डाला, के प्लस टेलोरेट अगार के अंदर। जैसे हम कॉर्निबैक्टेरियम को के प्लस टेलोरेट अगार में डालेंगे, तो जो टेलोराइट है, जो कॉर्निबैक्टेरियम है, कॉर्निबैक्टेरियम जो हमने डाला, वो उस टेलोराइट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, मेटेलिक टेलोरियम को। हमने क्या किया, हमने के प्लस टेलोराइट अगार लिया, उसके अंदर हमने कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरी डाला। जैसे हमने कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरी डाला, कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरी इस टेलोराइट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, मेटेलिक टेलुरियम में कन्वर्ट कर देगा। और जो मेटेलिक टेलुरियम होता है, ये ब्लैक कलर देता है कॉलोनीज को, कैसा कलर देगा, ब्लैक कलर देगा, ठीक है। कॉलोनीज किस तरह की अपेयर होंगी, ब्लैक कलर की अपेयर हो जाएंगी। अब जैसे ब्लैक कलर की अपेयर हुई, हमें पता लग जाएगा कि ये कौन प्रेजेंट है, कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरी। उसकी उसी तरह का एक मीडियम होता है टिसडेल मीडियम। टिसडेल मीडियम में क्या होता है, के प्लस टेलोरेट अगार प्लस सिस्टीन, इसके अंदर हम सिस्टीन और मिला देते हैं के प्लस टेलोरेट अगार में, पोटेशियम टेलोरेट अगार में क्या मिला देते हैं, सिस्टीन मिला देते हैं। और सिस्टीन जैसे मिलाएंगे तो ब्लैक कलर की कॉलोनीज दिखी थी हमने पोटेशियम टेलोरेट अगार से, ठीक। तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का हेलोज नजर आने लग जाता है, ब्राउन कलर हेलोज नजर आने लग जाते हैं। तो एक डिफ्रेंशिएटेड फीचर है, हम सिलेक्टिव मीडिया हम पढ़ लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन जो होता है, क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्थीरिया टॉक्सिन गाइस दो फ्रेगमेंट होते हैं, डिप्थीरिया टॉक्सिन के कौन कौन से फ्रेगमेंट होते हैं, दो फ्रेगमेंट होते हैं, एक होता है ए एक होता है बी। अब गाइस ए जो फ्रेगमेंट होता है वो एक्टिव होता है, क्या है, एक्टिव, और जो बी जो है वो बाइंडिंग फ्रेगमेंट होता है। बाइंडिंग मतलब क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। गाइस फ्रेगमेंट बी जो होता है, ये फ्रेगमेंट बी है, ये हमारी सेल है, ठीक है। इस सेल पे बाइंड होता है, इसकी सेल है, इस सेल पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जिन्हें हम कहते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर यहां प्रेजेंट होगी। तो बी जो है बाइंडिंग फैक्टर इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, बी जो है बाइंडिंग फ्रेगमेंट कहते हैं, ये किस पे अटैच हो जाएगा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो सेल होस्ट सेल की सरफेस पे है, ठीक है। जैसे ही फ्रेगमेंट बी बाइंड हुआ गाइस, जैसे ही फ्रेगमेंट बी इस एपिडर्मल सरफेस पे बाइंड हुआ, वैसे ही जैसे ही बाइंड हुआ वो क्या बोलेगा उस सेल को कि भाई फ्रेगमेंट ए की अब एंट्री करवा दो, ठीक है। वापस बता रहा हूं, ये हमारे पास क्या थी, होस्ट सेल, ठीक है। उस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट था, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, बाइंडिंग जो फैक्टर बी था वो आएगा और इससे बाइंड हो जाएगा। जैसे ही बाइंड होएगा फैक्टर बी इस एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के, ये बोलेगा कि भाई अब हमारे जो एक्टिव फ्रेगमेंट है उसको आने दो आप, ठीक है, एंट्री में मदद करता है, ठीक है। अब जैसे ही फैक्टर बी बाइंड हुआ, ठीक है, अब जो हमारे पास था ए एंड बी, बी क्या हो गया इस सरफेस पे बाइंड हो गया, जैसे ही बी बाइंड हुआ ए आएगा, ए क्या है, एक्टिव फ्रेगमेंट है, ए एक्टिव फ्रेगमेंट है, ठीक है। ए क्या करता है, ए क्या करता है, यहाँ पर एक इलोंगेशन फैक्टर होता है, इलोंगेशन फैक्टर आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा होगा, इलोंगेशन फैक्टर क्या करता है, इलोंगेशन फैक्टर ट्रांसलेशन में मदद करता है, ट्रांसलेशन में मदद करता है। अब अगर इलोंगेशन फैक्टर का हम इनिबिट कर देंगे इलोंगेशन फैक्टर को, तो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट होएगा ना, ठीक है। तो फैक्टर ए वही काम करता है, फैक्टर ए क्या करता है, जैसे फैक्टर बी बाइंड हुआ फैक्टर ए को एंट्री मिल जाती है, फैक्टर ए को एंट्री मिलेगी तो फैक्टर ए एक्टिव फ्रेगमेंट होता है, ये एडीपी राइबोसाइलेशन कर देता है, इलोंगेशन फैक्टर, इलोंगेशन जो फैक्टर होता है सेल के अंदर उसका एडीपी राइबोसाइलेशन कर देता है। जैसे ही एडीपी राइबोसाइलेशन होएगा इलोंगेशन फैक्टर का, इलोंगेशन फैक्टर टू इनिबिट हो जाएगा, इलोंगेशन फैक्टर जैसे इनिबिट होएगा, इनिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस जैसे इनिबिट होएगी सेल डाई कर सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर गाइस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, हमारे पास एक सेल है, हमारे पास एक सेल है, इसके ऊपर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है,
बी ए और बी फ्रेगमेंट एरिथ्रेटॉक्सिन के, बी फ्रेगमेंट आया, बी फ्रेगमेंट जैसे इसकी बाइंड हुआ ये बोलेगा कि ए ए फ्रेगमेंट तुम आ जाओ, अब तुम्हारी एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो ए आया, देन ए आया इसकी बी के बाइंड होने के बाद में, ए जैसे ही आएगा ये क्या करेगा, एडीबी राइबोसाइलेशन करेगा। एडीबी राइबोसाइलेशन जैसे ही होगा एपिडर, ये एलोंगेशन फैक्टर टू का, इलोंगेशन फैक्टर अंदर होता है, ठीक है ये ध्यान रखना। ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर अलग है, इलोंगेशन फैक्टर अलग है, ये बात ध्यान में रखना है, क्लियर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया डिजीज जो है वो क्या होती है, डिप्थीरिया डिजीज का रिजर्वर जो होता है वो ह्यूमन होता है, ठीक है। रिजर्वर मतलब जिस जो डिजीज को रखता है, ठीक है। ट्रांसमिशन जो होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं, जैसे हमने हाथ लगा लिया उससे, ड्रोपलेट्स, आप ड्रोपलेट्स जो होती है, ठीक है, स्नीजिंग वगैरह, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो होते हैं वो उनसे, ठीक। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डेवलपमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है वो पीरियड, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 4 दिन का होता है। यहां पर देखो, अब डिप्थीरिया बहुत सारे टाइप की होती है, एक होता है रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया। रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया में आपके जो जैसे टॉन्सिल है ये ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, जो टॉन्सिल है, ठीक है, फेरिंग्स है, नोज है, ये सीरियल वाइज अफेक्ट होते हैं, ठीक है। टॉन्सिल सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, फेरिंग्स, देन बाद में देन नोज, ठीक है। तो इस रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, इस फीवर आ जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, ठीक, और लेदरी स्यूडो मेम्ब्रेन अलोंग द टॉन्सिल। देखो ये टॉन्सिल है, टॉन्सिल ये इधर होता है, ठीक, यहां पर स्यूडो मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, स्यूडो मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है स्यूडो मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम है रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया का, ठीक है। और साथ साथ में क्या होगा गाइस, बुल नेक अपीयरेंस, बुल नेक अपीयरेंस, अपीयरेंस जो नेक होती है वो क्या हो जाएगी, स्वोलन कर जाएगी, क्या कर जाएगी, स्वोलन कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया, रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया हमने पढ़ा, ठीक है। अब वो होता है स्क्यूटेनियस डिप्थीरिया। स्क्यूटेनियस डिप्थीरिया मतलब स्किन के अंदर, स्किन के अंदर कौन सा करता है, नॉन टॉक्सिजेनिक जो स्ट्रेन होता है वो यहाँ पर स्क्यूटेनियस डिप्थीरिया कॉज करता है। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होते हैं, जैसे आपको मायोकार्डाइटिस हो गया वो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन में आता है डिप्थीरिया के, ठीक। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी करते हैं, जैसे आपका पैलेटाइन हो गया, सीलियरी या ऑक्युलोमोटर पाल्सी, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक। हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन में देखें तो एपिस्टेक्सिस हो गया, परप्यूरा हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, ठीक है। अब जो हिमोरेजिक क्यों होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, प्लेटलेट्स कम होगी, प्लेटलेट्स कम होगी तो ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी जैसे ज्यादा होगी तो एपिस्टेक्सिस हो जाएगा, परप्यूरा हो जाएगा। ओटाइटिस मीडिया भी ये कर सकता है डिप्थीरियम, न्यूमोनिया भी हो सकता है नॉर्मल, ठीक है। लैब डायग्नोसिस देखें तो अब स्पेसिमेन कहाँ से लेंगे, स्पेसिमेन कहाँ से लेंगे, स्पेसिमेन हम लेंगे थ्रोट स्वैब, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ठीक। पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन जो हमने मेम्ब्रेन देखी, स्यूडो मेम्ब्रेन देखी अभी टॉन्सिल में, वहां से भी ले सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग जब करेंगे तो गाइस क्लब शेप बैक्टीरिया हमें दिखेंगे, ठीक है, चाइनीज लेटर अरेंजमेंट, ठीक है, वी और एल शेप, ठीक है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, ठीक है। कल्चर मीडिया हमने डिफाइन कर लिया था, डिस्कस कर लिया पहले, तो वापस डिस्कस नहीं करेंगे। लैब डायग्नोसिस में सब कुछ लिखना है, कल्चर मीडिया वापस लिखना है आपको। बायोकेमिकल टेस्ट भी हमने डिफाइन कर लिया था। अब एक आता है इलेक्ट जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ये क्या होता है, ये हम पूरा डिफाइन करने वाले हैं। क्या होता है इस, हमने क्या लिया, ये रेड वाला जो है हमने क्या लिया, मैं यहां वापस समझा रहा हूं, हमने एक ये ले लिया, क्या है ये है सेरम अगार प्लेट, हमने 20% और सेरम अगार प्लेट ले लिया, ठीक है, सेरम अगार प्लेट, 20% और सेरम अगार प्लेट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर गाइज हम एंटीटॉक्सिन सॉफ्ट फिल्टर पेपर, ये है डिप्थीरिया जो टॉक्सिन होता है उसका हम एंटीटॉक्सिन यहां डालेंगे, इसका क्या डालेंगे, एंटीटॉक्सिन, ये एंटीटॉक्सिन बीज के अंदर डाल दिया, ठीक, एंटीटॉक्सिन बीज के अंदर डाल दिया, ये एंटीटॉक्सिन है, ठीक। अब क्या किया हम, कॉर्निवेटरम डिप्थीरिया की दो टाइप की कॉलोनी लेंगे, एक वो कॉलोनी जो क्या है टॉक्सिजिनेटेड है, मतलब जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, एक वो कॉलोनी जो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करती, ये ग्रीन वाली नॉन टॉक्सिजेनिक है, ग्रीन वाली क्या है नॉन टॉक्सिक, और ये जो है ये टॉक्सिक है, ठीक। तो यहां भी लिख रहा हूं ये क्या है टॉक्सिक, ग्रीन वाली नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, ठीक है, ठीक है गाइज, ठीक है। अब क्या करें, जैसे ही गाइज अब आपको पता है ये टॉक्सिन वाले जो टॉक्सिन है ये टॉक्सिनेटेड है, ये वाली कॉलोनी ये नॉन टॉक्सिनेटेड है, जैसे ही टॉक्सिनेटेड जो कॉलोनी है ये इस एंटीटॉक्सिन के कॉन्टेक्ट में आएगी तो टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन बाइंड होएंगे और यहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी, और यहां पर प्रेसिपिटेशन
प्रेसिपिटेशन बनने लग जाएगा। जबकि यहां पर कोई टॉक्सिन नहीं है इस कॉलोनी में, ग्रीन वाली में, यहां पर कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा, नो प्रेसिपिटेशन। यहां पर क्या है? नो प्रेसिपिटेशन, नो प्रेसिपिटेशन। ये क्या है? ये क्या है? ये प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन। ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे ये चारों साइड में रेज से, ये क्या है? प्रेसिपिटेशन। जैसे ही प्रेसिपिटेशन मिलेगा हमें, वो हमें जैसे प्रेसिपिटेशन मिलेगा हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे टॉक्सिजेनेटिक ऑर्निबैक्टेरियम डिप्थेरी प्रेजेंट है। क्लियर गाइज? सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट हम डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन दे सकते हैं। कितने कितनी यूनिट है? 20,000 से 40,000 यूनिट इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस दे सकते हैं फॉर फेरिंजियल और लैरिंजियल डिजीज में। फेरिंग्स और लैरिंग्स जो डिप्थेरिया होता है उसके अंदर 20,000 से 40,000, 40,000 से 60,000 यूनिट हम नेजोफेरिंगियल डिजीज में देख सकते हैं। क्लियर गाइज? हम बात करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम बात करें तो पेनिसिलिन यहाँ दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं और प्रोकेन, ये भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हो गया। तो गाइज ये आपका पूरा हुआ, हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर डिफाइन किया, सब कुछ चीजें कवर कर रखी हैं। और आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके पूछ सकते हैं, और नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। चैनल अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।